तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर ब्लॉग। आज भाई कोई गाड़ी नहीं है। आज कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़े हुए थे, तकरीबन एक हफ्ते से, और उनके मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। तो आज मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए जिसमें सारी चीज़ें बता दी जाएँ। तो एक पहला क्वेश्चन आया हुआ है, ये है देवा ब्लॉग्स है कोई भाई अपने, उन्होंने बोला है बाय मैग्नाइट और काइगर। भाई मैग्नाइट और काइगर एक ही गाड़ी है, दोनों बहनें हैं, चाचा ताऊ की लड़की हैं, कोई भी आप इसमें से ले सकते हो। दोनों गाड़ी अच्छी हैं अपनी सेगमेंट पे। वहीं एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये हैं हमारे बटर मसाला 442 करके इनका चैनल नेम है, जो भी यूज़ करते होंगे, ये हैंडल है इनका यूट्यूब हैंडल। भाई फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस या ब्रेजा VXI बाय करूँ, प्लीज़ बताएं। भाई अगर आप एक नई सेगमेंट लेना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम जो इंडिया में मारुति ने कूपे सेगमेंट लॉन्च करी है, इससे पहले कूपे सेगमेंट किसी अपर ब्रांड्स में बहुत मिल जाती है हमें, बट इस सेगमेंट में फर्स्ट टाइम इंडिया में मारुति ने दी है कूपे। अगर आप एक प्रीमियम हैचबैक लेने का सोच रहे हैं तो आप फ्रॉन्क्स ले सकते हैं, अदरवाइज आपको कॉम्पैक्ट SUV लेनी है तो आप ब्रेजा पे चले जाइए, क्योंकि ब्रेजा में और फ्रॉन्क्स में ग्राउंड क्लियरेंस का फ़र्क रहेगा, हाइट का थोड़ा सा फ़र्क रहने वाला, ज़्यादा फ़र्क नहीं है बट फ़र्क रहेगा। ब्रेजा में बैठने के बाद आपको एक हाइट महसूस होगी ठीक ठाक, इतनी भी नहीं कि हाँ, बस ये कि ठीक ठाक महसूस होगी कॉम्पैक्ट SUV के अकॉर्डिंग। वहीं फ्रॉन्क्स लेते हैं तो फ्रॉन्क्स आपका वही प्रीमियम हैचबैक वाली फीलिंग देगा, उसमें आपको कोई इस सेगमेंट में मतलब हाइट वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगी, बाकी SUV वाली फीलिंग आ जाएगी, एक आपको बोनट व्यू वगैरह अच्छा दिखेगा, और गाड़ी अच्छी है, नई सेगमेंट है तो उसे आप देख सकते हैं, और ट्रस्टेड ब्रांड है मारुति तो उस पर स्विच कर सकते हैं। वहीं एक क्वेश्चन आ हुआ है, ये हैं आपके मनदीप सिंह राणा 1565, इनका चैनल हैंडल है ये, प्लीज़ कन्फर्म विटारा डेल्टा 80 वर्सेस ब्रेजा VXI 80 वर्सेस MG हेक्टर 80 सुपर वेरिएंट कौन सी लेनी चाहिए। पहले तो मैं बोलना चाहूँगा मनदीप सिंह जी की हेक्टर में मुझे नहीं लगता कोई सुपर वेरिएंट आता है, ठीक है। और अगर आप ब्रेजा इस सेगमेंट पे नहीं है, क्योंकि ब्रेजा कॉम्पैक्ट SUV है, और आपका विटारा डेल्टा, विटारा ग्रैंड विटारा जो है, और वहीं आपका ये हेक्टर MG हेक्टर, ये दोनों मिड साइज SUV हैं, तो मिड साइज SUV में आप इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं, ग्रैंड विटारा और MG हेक्टर का, बट वहाँ ब्रेजा कहीं स्टैंड नहीं करती। फिर भी मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, मेरी तरफ से जो आपके लिए सजेशन है वो ये रहेगा कि आप ग्रैंड विटारा देखिए, डेल्टा वैल्यू फॉर मनी पैक है, माइलेज वगैरह सब कुछ गाड़ी का अच्छा है, अगर आप पेट्रोल में लेते हैं, ये गाड़ी आपका CNG में भी अवेलेबल है, बाकी एवरेज वगैरह आपको ग्रैंड विटारा के अंदर अच्छा मिल जाता है, अच्छा माइलेज है, जो लोग कस्टमर्स यूज़ कर रहे हैं ऑनर्स का अच्छा फीडबैक है उस गाड़ी को लेके। वहीं बात करें, हमारे खान साहब हैं, ये पठान साहब हैं हमारे, ये जॉर्डन में रहते हैं, इनका सवाल है कि 5-10 लाख तक की 5 सीटर कार जिसमें सारी खूबियां हों, और 10 से 20 लाख के बीच में 7 सीटर कार SUV जिसके अंदर सारी खूबियां हो। तो सबसे पहले तो मैं आपसे भाई कहना चाहूँगा पठान साहब की कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो सर्वगुण संपन्न हो, सर्वगुण संपन्न तो आदमी भी नहीं होता जिसके अंदर सारी खूबियां हो। अगर आप 5 सीटर तक लेना चाहते हैं, 10 लाख तक कोई गाड़ी देख रहे हैं, तो आप उसमें कॉम्पैक्ट SUV में ब्रेजा देख सकते हैं, 4 सीटर 4 स्टार अचीव कर चुकी है, फीचर्स वगैरह अच्छे हैं, मारुति का मेंटेनेंस भी कम है, माइलेज वगैरह भी अच्छी मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप हैचबैक पे स्विच करना चाहते हैं तो वहाँ एल्ट्रॉस देख सकते हैं आप टाटा की, उसकी बिल्ड क्वालिटी 5 स्टार, सेफ्टी रेटिंग है, और अब वो CNG में भी अवेलेबल है, फर्स्ट टाइम टेक्नोलॉजी आई है ट्विन सिलेंडर की, जो कि टाटा ने इंडिया के अंदर दी है, इससे पहले कहीं ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी हमें नहीं मिलती। वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, अगर किसी तरह के डाउट्स हैं तो आप उसको देख सकते हैं। 10 लाख तक, अगर आप 10 लाख से ऊपर स्विच करते हैं, 10 से 20 लाख तक कोई गाड़ी देख रहे हैं, 7 सीटर देख रहे हैं, तो उसके अंदर दो तीन ऑप्शन आ जाते हैं आपके अच्छे, 10 से ऊपर 5 सीटर भी आ जाती है आपकी, फॉक्स वैगन की टाइगून भी देख सकते हैं, वो भी 5 स्टार अचीव कर चुकी है,
सेफ्टी रेटिंग्स में और अच्छे फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं, न्यू लुक है गाड़ी का। आपको सेवन सीटर पे स्विच करना है तो स्कॉर्पियो एन देख लीजिए, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन है, Z2, Z4, Z6 काफ़ी वेरिएंट मिल जाते हैं, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स हैं इसके ठीक ठाक है, क्योंकि 40-45 लाख की एंडीवर फॉर्चूनर वाली सेगमेंट वाली हाइट मिल जाती है हमें बैठने के लिए, तो उस बजट के अंदर आप वो देख सकते हैं। हैरियर भी देख सकते हैं, टाटा सफारी भी देख सकते हैं, ये दोनों ब्रांड्स अपने इंडियन ब्रांड्स हैं, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इन दोनों में से, सेवन सीटर में आप जो गाड़ी भी देखना चाहें वो देख सकते हैं। बाकी आप चाहें कि सारे गुण मिल जाएं एक गाड़ी के अंदर, सर्वगुण संपन्न गाड़ी कोई मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में अभी कोई गाड़ी ऐसी अवेलेबल नहीं है ना फाइव सीटर में ना सेवन सीटर में जिसके अंदर कोई कमी ना हो, कोई ना कोई पॉजिटिव नेगेटिव आपको पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव हर गाड़ी में देखने के लिए मिलेगा, कोई गाड़ी ऐसी नहीं होगी जिसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव ही आपको मिले, ठीक है। यहाँ तक कि आप मर्सिडीज़ वगैरह भी लेते हैं 80-90 लाख तक की भी गाड़ी पे जाते हैं, वहाँ भी कई लोगों की मैंने वीडियोस देखी हैं वेंटिलेटेड सीट नहीं मिलती 80-85 लाख रुपए तक की गाड़ी पे जाके, तो मुझे नहीं लगता कि सर्वगुण संपन्न गाड़ी कोई मिल सकती है किसी भी सेगमेंट पे। और वहीं बात करें तो कुछ भाइयों के क्वेश्चन आ रहे थे आपका जिमनी को लेके, जिमनी प्राइजेस को लेकर, देखिए जिमनी ओवर प्राइज है नो डाउट, कोई इसमें डाउट्स नहीं है, काफ़ी लोगों ने कैंसिल भी करी है, मेरे पास भी कमेंट्स हैं जिन्होंने प्राइस आते ही जिमनी कैंसिल कर दी, क्योंकि जो इसका बेस वेरिएंट है 12,74,000 से जेटा मैनुअल ट्रांसमिशन है और मोनोटोन सिंगल टोन में ये स्टार्ट हो रहा है, और इसमें 12,74,000 एक्स शोरूम के बाद ये गाड़ी आपको ऑन रोड 14 लाख समथिंग पड़ जाती है, जाकर 14,25,000, 30,000, 50,000 के आसपास ये ऑन रोड पड़ जाती है। बाकी स्टेट वाइज प्राइस वेरी करते हैं कि कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उसकी देखा जाए तो महंगी है गाड़ी, डायमेंशन भी गाड़ी के नहीं है, अंडर 4 मीटर है, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट पे ये गाड़ी बनाई है, टायर साइज वगैरह थोड़ा डायमेंशन बड़ा कर देते तो शायद बजट में गाड़ी आ जाती, क्योंकि जो पैसेंजर सीट्स हैं वो मुझे कम्फर्ट नहीं लगी इसकी, जिसमें मारुति हेटर समझेंगे कुछ लोग मुझे उल्टे सीधे कमेंट्स भी करेंगे, बट भाई मैं मारुति हेटर नहीं हूँ, मैं खुद मारुति गाड़ी यूज़ करता हूँ ब्रेज़ा, काफ़ी बार आप वीडियोस में देख चुके हो, तो ब्रे विटा जो आपका जिमनी आई है उसके प्राइस ओवर प्राइस है नो डाउट, और थार से कंपैरिजन चल रहा था इसका, थार का और इसका कहीं कंपैरिजन नहीं है, थार 2 सीटर है, पहले भी इस वीडियो में काफ़ी वीडियोज़ में मैं इस बारे में बात कर चुका हूँ कि थार आप 4x2 लो 4x4 लो तो कोई कंपैरिजन नहीं है, वो 3-डोर कार है आपका, एसयूवी है, 3-डोर कार बोल लो एसयूवी बोल लो, और जिमनी आपका 5-डोर प्रॉपर फैमिली कार में आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ऑफ रोडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों का कंपैरिजन नहीं है, डायमेंशन वाइज भी कंपैरिजन नहीं है, बाकी आगे गाड़ी का भी आपके लिए कंपैरिजन लाएंगे दोनों गाड़ियों का, बट अगर आप प्राइस वाइज देखेंगे तो आपका जो थार है उसका 4x2 का बेस वेरियंट आपको 12.5 लाख के आसपास एक्स शोरूम ऑन रोड मिल जाएगा, जो AX वेरिएंट है थार 4x2 का, वहीं जिमनी अगर जीटा लेते हैं आप बेस वेरिएंट वो 14 लाख प्लस जा रहा है, तो यार ये तो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब करने वाली बात है, जो लोग माइंड बना के बैठे थे काफ़ी लोग बुकिंग कैंसिल करेंगे लग रहा है मुझे, जैसे मेरे पास भी कमेंट आ रहे हैं, बाकी आप लोग इसी तरह से प्यार दिखाते रहे ये वीडियो पे जैसे आप दिखाते आ रहे हैं, और अगर कोई भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में किसी भी तरह की आपकी क्वेरी है तो आप वो क्वेश्चन डाल सकते हैं, आपके क्वेश्चनों के इसी तरह से आपको आगे जवाब मिलते रहेंगे। अगर वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो शेयर भी कर सकते हो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।